मैं हूँ पल्लवी और पल्लवी कुकिंग रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कसाटा आइसक्रीम। ये बहुत ही क्रीमी सी सॉफ्ट सी आइसक्रीम बनती है, तो चलिए देखते हैं रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और कैसे बनानी है, चलिए देखते हैं रेसिपी। आज हम इंस्टेंट बेस कैसे बनाना है वो देखेंगे। आइसक्रीम का इंस्टेंट बेस बनाएंगे। ये हमने ले लिया है फुल फैट मिल्क, इससे उबला हुआ मिल्क नहीं है, ये कच्चा दूध है। ये हमने ले लिया है 240 ml, एक कप भर के। ये डाल देंगे हम पतीले के अंदर। ठंडे ही दूध में हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 tablespoon भर के हमें लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें 1 tablespoon भर के लेना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। और इसी तरह से 1/4 कप हमें लेनी है शुगर, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये सारी सामग्री हमें ठंडे दूध में ही मिक्स करनी है, गरम दूध में हमें ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। गरम दूध में डाल लेंगे तो इसमें लम्ब्स आ जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, तो ये हम पूरा मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम गैस की फ्लेम करेंगे ऑन और धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे एक उबाल आने तक। बस एक उबाल आने तक पकाना है और अब हमें इसे हिलाते रहना है ताकि जो पाउडर हमने इसके अंदर डाले हैं वो नीचे लगे ना, इसलिए हमें इसे बस हिलाते रहना है एक बॉईल आने तक। ये आप देख रहे हो इसमें एक उबाल आ गया है। अभी गैस की फ्लेम हम कर देंगे। ये बन गया है हमारा बेस तैयार। इसमें एक उबाल आ चुका है, गैस की फ्लेम कर देंगे हम ऑफ। ये इसका गाढ़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। अब हमें इसे पूरा ठंडा होने देना है और बीच बीच में इसे हिला दे रहना है ताकि इसमें लम्ब्स ना आ जाए, इसलिए हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसे ठंडा होने तक हम करेंगे वेट। तब तक हम बना लेंगे अपना व्हिपिंग क्रीम का बेस। ये हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। ये व्हिपिंग क्रीम को हम क्रीम में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से बीटर से हम फेटेंगे और ये जो बीटर का स्पीड है 1 से लेके 5 तक हमें धीरे धीरे इसे बढ़ाना है और क्रीम, ये जो व्हिपिंग क्रीम है उसे क्रीम में कन्वर्ट करनी है। तो चलिए इसे फेंटते हैं। ये जो क्रीम है व्हिपिंग क्रीम है, हमने क्रीम में कन्वर्ट की है बीटर से फेंट कर। अभी हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क, ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैंने, इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो कैसे बनाना है। ये हम डाल देंगे पूरा 1 कटोरी भरकर इसके अंदर। और ये हमने जो बेस बनाया था आइसक्रीम का, ये हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर और इसे फिर से हमें एक बार बीटर से फेंटना है। ये हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे फिर से बीटर से फेटेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा बेस बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसे पूरा बीटर से फेट लिया है। अब हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ये आप देख रहे हो। इसमें हम डालेंगे मैंगो इमल्शन। ये मैंने इमल्शन ले लिया है। इमल्शन क्या होता है इससे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें फ्लेवर और कलर दोनों रहता है। ये हम डाल देंगे
चार पांच बूंदे। एक में हम डालेंगे पाइनएप्पल इमल्शन, चार पांच बूंद, और ये वैनिला इसेंस मैंने ले लिया है, ये वैनिला इसेंस हम डालेंगे इसके अंदर। हमें कसाटा आइसक्रीम बनाना है तो हम तीन अलग अलग फ्लेवर्स में बनाएंगे, बस चार पांच बूंदें डाल देनी है और इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मैंगो आइसक्रीम का बेस तैयार है। ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का बेस तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है गाइस, आप इसे बना के ज़रूर देखना और बनने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे बनाएं। और आप नए हो चैनल पे, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियोज़ डालूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगी कि जो वीडियो है वो शेयर कीजिएगा अपने कॉन्टैक्ट्स में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि नई नई रेसिपी सबको मिले। और ये मैंने ले लिया है वैनिला का बेस, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये तीन बेस बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मैंने केक का टीन ले लिया है, आप कोई भी टीन ले सकते हो या फिर एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हो। इसमें मैंने ये ब्रेड, एक केक था तो केक के क्रम्स मैंने बना लिए हैं, आप कोई भी केक इस बेस बनाने के लिए ले सकते हो। इसके ऊपर हम डाल देंगे मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम का जो बेस है ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर हम डालेंगे ये वैनिला का बेस, इसकी लेयरिंग बनानी है। और ये ले लिया है पाइनएप्पल वाला आइसक्रीम का बेस, ये हम इसी तरह से लेयरिंग बनाएंगे, पूरी लेयरिंग बनानी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो टीन है, टीन को मैंने पॉलीथीन लगा ली है, आप कोई भी पॉलीथीन लगा लीजिए या फिर फूड रैप पेपर आता है वो भी आप इसके ऊपर फूड रैप पॉलीथीन लगा सकते हो। इस तरह से हमें लेयरिंग कर लेनी है इसकी। और इसे थोड़ा सा हल्का सा टैप कर देना है ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए इसके अंदर से। अब हम इसे रखेंगे सेट होने के लिए फ्रीजर में 8 से 9 घंटे तक। इसे लगा लेंगे हम इस तरह से, इसका जो ढक्कन है वो लगा लेंगे हम इसके ऊपर और इसे सेट होने के लिए रखेंगे 8 से 9 घंटे तक। एक कसाटा आइसक्रीम पूरा सेट होके तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे, इसको डीमोल्ड करेंगे। ये मैंने पूरी टेप लगाए हैं साइड से, ये पूरे निकाल देंगे हम इसे इस तरह से, हम निकालेंगे इस तरह से, हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्रीमी सी, सॉफ्ट सी कसाटा आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। इसके लेयर्स भी बहुत ही प्यारे से आए हैं। इसे कट करेंगे हम, कसाटा आइसक्रीम इसी तरह से कट होती है, इसे स्कूप से नहीं निकाला जाता है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी सी लाजवाब हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है।